हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। तो आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है और यहाँ हम तैयार हो गई है मैराथन में जाने के लिए। वडोदरा में आज इंटरनेशनल मैराथन थी तो उसके लिए ही हम यहाँ पे जो है रेडी हुए थे। तो चलिए चलते हैं। जाकर बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रही, बहुत ही मजा आया हम दोनों को। ये भी गए थे साथ में लेकिन ये ड्यूटी वालों के साथ थे। तो ये देखिए बच्चे अभी उठने का मन नहीं कर रहा है इनका कंबल से, और इसके बाद चलो अभी किचन को संभालते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है और अभी करेंगे नाश्ते की तैयारी। और इतने में पापा चाय पीकर चले गए थे बाहर घूमने के लिए, और यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी मैंने मेरी क्लीनिंग भी, और साथ में देखी हर्षो को भी नहला दिया और ये कंबल में आ दिया है इसको। इतने में पापा भी आ गए थे तो पापा के लिए बना दिया है खाना, और ये खा रहे हैं लड्डू दूध के साथ। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था ऐसे। और इसके बाद ये देखिए पापा बाहर धूप में बैठे हुए हैं दोपहर में, और ये रनिंग करके आए थे, सुबह जल्दी उठे थे तो इनको सो गए थे ये। और अभी देखिए हर्षो के लिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ दूध गरम, क्योंकि उसको पिलाना है दूध। तो ये देखिए मेरे साथ बातें कर रही है, यहीं पे बैठा लिया था मैंने इसको। और देखिए इवनिंग में ये ले आए हैं गन्ने और बेर, तो अभी इनकी बारी। और यह
यहाँ पर देखिए हर्षू अपने पापा के साथ कैसे खेल रही है। इसके बाद यहाँ पर आ गई है परी, तो हर्षू जो है अभी परी के साथ खेलने में लग गई है टॉयज के साथ। तो देखिए बच्चे यहाँ पे खेलने में लगे हैं और मुझे भी बनाना था डिनर। तो खाने में आज मैंने बनाई बाजरे की खिचड़ी जो मम्मी ने कूट कर भेजी थी, तो वो कूट कर अच्छे से मम्मी ने साफ करके भेजी थी। और यहाँ पर मैं मम्मी से कर रही हूँ बातें और उनसे पूछ रही हूँ कि कैसे बनानी है। और ये देखिए अभी बनाते हैं खिचड़ी को। तो इसके लिए मैंने दाल को है चना दाल को भिगो दिया था पहले ही। और ये देखिए हमारा जो बाजरा है कूटा हुआ है, तो अभी बनाएंगे इसको खिचड़ी। तो मम्मी जैसे बता रही है मैं वैसे ही कर रही हूँ। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी को है जो अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया है। और अच्छा सा बॉईल आने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सेंधा नमक और सफ़ेद नमक भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था इसमें। और अभी ये अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो इसमें ये कुटी हुई जो बाजरा है हमारा कुटा हुआ इसको डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिलाना है उसी टाइम, इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए वरना ये अच्छा नहीं बनता। तो देखिए कैसे इसको अच्छे से मिला देना है और बार बार इसको चलाना पड़ता है, ऐसे छोड़ना नहीं है मतलब। तो काफ़ी देर तक ऐसे इसको मिलाना है। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद ही हमारा बॉईल हो चुका था और साथ में मैंने इसमें जो है चना दाल को भी मिक्स कर दिया था। तो बार बार मैं इसको चला रही थी, तो देखिए कैसे ये अभी मतलब उबलना जो स्टार्ट हो गई थी। और मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। हमारे यहाँ पे इसको सर्दियों में बनाया जाता है, तो सब चाव से खाते हैं हमारे, इसको टेस्टी भी लगती है ये और एक अच्छा माइलेट भी है बाजरा। तो ये देखिए टाइम बस यही ध्यान रखना होता है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिए धीरे धीरे से मतलब मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था और बार बार चलाती रही, तो बहुत ही अच्छी हमारी खिचड़ी जो बनकर तैयार हुई। और यहाँ पर कर देते हैं अभी सर्व। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड इफ़ यू आर एन्जॉइंग माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।